पादुकोण पहुंची थी, सभी पार्टियां अपने अपनी विचारधारा रख रही हैं उसके ऊपर, कोई उनका विरोध कर रहा है, कोई उसका समर्थन कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उनके जेएनयू जाने से उनकी फिल्म छपाक का विरोध होना चाहिए, उसे बायकॉट करना चाहिए? मेरे एक चीज समझ में नहीं आता है इस देश में है, किसी चीज को लेके किसी का कोई अलग विचार हो सकता है, किसी का कोई अलग विचार हो सकता है। उनको दीपिका जी को लगा कि बच्चों के साथ गलत हुआ, यूनिवर्सिटी के लोगों में जो बच्चे हैं वहाँ पे गलत हुआ है, जो मारपीट हुई है, आज तक अरेस्ट नहीं हुए उनको मिलने के लिए, तो इसमें गलती क्या है? और पिक्चर का विरोध करना मतलब क्या है? आप जो विरोध करने वाले हैं उनसे पूछिए, आप, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपके परिवार में या आपके पूरी खानदान में किसी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ा है, किसी ने देश के लिए कुछ किया है, किसी ने देश के भलाई के लिए कुछ अच्छे कर्म किए या समाज के लिए काम किया? ये जो व्हाट्सएप और ये कंपनी है, जो रवीश कुमार के कंपनी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो जिनका असली नाम भी नहीं पता है, फर्जी नाम पे चलते, ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों के कोई चिंता या कोई वो नहीं करने। छपाक पिक्चर जो है एक एसिड अटैक बच्ची पे उन्होंने काम किया, किरदार किया है, और उस चीज़ को उन्होंने, उस बच्ची को दुख कितना होता अपने अभिनय के माध्यम से उन्होंने समाज में लाने का काम किया है, इसका किस लिए विरोध? क्या उसको सपोर्ट करते जो एसिड डालने वाले लोग हैं जो उस पिक्चर का विरोध कर रहे हैं? तो मेरा तो ऐसा इल्जाम है कि उस एसिड जो डाले हैं, जो मुलजिम है, जो अपराधी हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उन बच्चियों का चेहरा देखिए, मैंने इस पे कपिल शर्मा के शो पे देखा उन बच्चों का चेहरा, और एक कंपटीशन था नेशनल चैनल पे देखा उन बच्चों का चेहरा, उनके साथ इतना गलत हुआ है, और वो बच्चियाँ समाज में लड़के अपना एक अस्तित्व बनाई हैं, और उस बोलते हैं कि उस पिक्चर का विरोध करें, ऐसे लोगों का ही बहिष्कार होना चाहिए।